चलिए स्टार्ट करते हैं। फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम में हम सबसे पहले तो फेज डायग्राम के जो कंपोनेंट और फेज है क्या, बेसिकली उसको समझेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट में क्या है, केमिकली रिकॉग्नाइज स्पेसीज, ये जो आयरन और कार्बन इन अ कार्बन स्टील, H2 एंड सक्रोज इन अ शुगर सॉल्यूशन इन अ वाटर, अ बाइनरी अलॉय कंटेंट टू कंपोनेंट्स और ट्रेनरी अलॉय थ्री कंपोनेंट। इस कंपोनेंट यानी फेज डायग्राम में कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट क्या, वन कंपोनेंट भी होते हैं उसमें और टू कंपोनेंट भी होते हैं और थ्री कंपोनेंट भी होते हैं। वन कंपोनेंट फेज डायग्राम होती है H2O, जैसे वन कंपोनेंट है। बाइनरी कंपोनेंट बेसिकली बाइनरी अलॉय होता है, उन अलॉय से मिलके वो बाइनरी डायग्राम का नाम दिया गया है, बाइनरी फेज डायग्राम। और टेनरी फेज डायग्राम यानी तीन कंपोनेंट्स मिलके टेनरी फेज डायग्राम बनाते हैं। तो ये कंपोनेंट की मदद से जो है वो कोई हम डायग्राम ड्रा करते हैं, उस डायग्राम को हम फेज डायग्राम कहते हैं। अच्छा, अब फेज के बारे में पढ़ लें। पहले फेज अ पोर्शन ऑफ अ सिस्टम दैट इज यूनिफॉर्म फिजिकली एंड केमिकली करेक्टरिस्टिक्स। टू डिस्टिंक्ट फेज इन अ सिस्टम हैव अ डिस्टिंक्ट फिजिकली और केमिकली करेक्टरिस्टिक, एग्जांपल वाटर आइस एंड वाटर एंड सॉलिड, एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर डेफिनाइट फेज बाउंड्रीज। ए फेज मे बी कंटेन वन और मोर कंपोनेंट। अच्छा, अब फेस जो उसमें जो है, जो फेस डायग्राम होती है उसमें एक कंपोनेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक, दूसरी बात ये कि फेस जो है, आपको पता है फेस कितने टाइप के होते हैं। एक अगर सिमिलर फेस हो गए, सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया तो वो होमोजीनियस कहलाएगा, नॉन सिमिलियर हो गया तो वो हेट्रोजीनियस कहलाएगा, जैसे ये नीचे इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब फेस कितने टाइप के होते हैं। फेस आपने आ, आ, जो स्कूल में पढ़ा होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये फेज की तीन टाइप्स हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं अलॉय बनाता हूँ, कोई अलॉय, फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉपर लिया और दूसरा मैंने जिंक लिया, इनको मैंने टेम्परेचर दिया, यानी हाई टेम्परेचर पे इनको क्या किया, मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद क्या होगा, कॉपर का एक लिक्विड सॉल्यूशन आ जाएगा, मिक्सचर आ जाएगा, लिक्विड मिक्सचर आ जाएगा मेरे पास, और जिंक का एक लिक्विड मिक्सचर आ जाएगा मेरे पास। जिंक और कॉपर के दोनों लिक्विड मिक्सचर को मैं मिक्स करता हूँ, लिक्विड इनका जो है लिक्विड मिक्सचर बनाता हूँ। एक लिक्विड सॉल्यूशन आ गया मेरे पास कॉपर का, और दूसरा मेल्ट हीट करने के बाद, और दूसरा मेरे पास आ गया सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन आ गया जिंक का। ये दोनों कॉपर और जिंक के लिक्विड सॉल्यूशन मेरे पास आ गए, तो इन दोनों लिक्विड सॉल्यूशन को मैं मिक्स करूंगा तो वो मेरे पास लिक्विड मिक्सचर बन जाएगा। लिक्विड मिक्सचर बनने के बाद मैं उनको ठंडा करूंगा, जिसको सॉलिडिटी कहते हैं। ठीक है, उसको कूल डाउन करेंगे। आफ्टर सॉलिडिटी गेट सम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्या के देखेंगे हम उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सेम है या डिफरेंट है। अगर मिक्स करने के बाद उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर से मुराद है जैसे FCC, BCC, HCC या अदर्स, ठीक है, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो उनका सेम है या डिफरेंट है। अगर उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम आ जाता है, और से अगर हम कहते हैं कि कॉपर और जिंक का दोनों के का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या आ गया, FCC आया। ठीक है, दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, FCC, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये वन फेस है, ये वन फेस फॉर्म में है। ठीक है, ये मैंने एक आपको एग्जांपल दी मेटल की। अब मैं दूसरी एग्जांपल आपको देता हूँ। देखें, वेल थ्री टाइप के ये फेसेस होती हैं, फेस टाइप्स की फेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन फेस में अगर हम पढ़ें तो हाउ मेनी फेसेस इन ईच, नीचे मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, और यहाँ पे सैंड और साल्ट,
ये अगर दोनों हम मिक्स करेंगे तो इनका क्या वन फेस होगा या टू फेस होगा, कोई बताएगा मुझे? टू फेस होगा, जी टू फेस होगा सर। टू फेस होगा। अगर मैं शुगर और वाटर को मिक्स करता हूं तो वन फेस होगा टू फेस होगा? वन फेस होगा। अगर मैं ऑयल और वाटर को मिक्स करता हूं तो टू फेस होगा वन फेस होगा? टू फेस। टू फेस होगा, ठीक है। तो अगर जी मैं गैसेस की बात करूं, कोई भी गैसेस लें, तो उसमें गैसेस में क्या होगा अगर दो गैसेस को मिक्स करूं तो? वन फेस होगा टू फेस होगा? सर, गैसेस को अगर मिक्स करें हाँ वो भी टू फेस हो के टू फेस ही रहेंगे गैस मिक्स। टू फेस नहीं होगी, वन फेस होगी भी। आप देखिए एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जी, तो सही, वो अलग अलग तो नहीं वन होती, फेस पर तो होते हैं, आपस सही। में मिक्स जी होती हैं, ठीक है। तो वन जी फेस, जी ये मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख दिए हैं। अच्छा, जैसे देखें सैंड और साल्ट टू फेसेस है। अब ये टू फेसेस किस लिए है? ये इसलिए है कि इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने शो किया है, ये इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये नहीं होगा, कुछ और ही होगा। मैंने एक और से एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है कि सैंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, FCC, और साल्ट का स्ट्रक्चर क्या है, BCC। अब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों के एक बराबर नहीं है, तो इसका फेस एक अलग फेस है, इसका अलग फेस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू फेसेस, ठीक है। इसी तरह अगर अगर इसका सैंड का BCC होता और साल्ट का भी जो है वो BCC है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये सेम है, तो फिर ये क्या होगा, एक फेस पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये सिंपल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम लिख दी। मिल्क और कॉफी वन फेस, कॉफी एंड शुगर वन फेस, साल्ट एंड वाटर वन फेस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस हैं वन फेस, ऑयल एंड वाटर टू फेस ड्यू टू डेंसिटी की वजह से, ठीक है। हम मेटल में ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे, मेटल में जो हम पैरामीटर देखेंगे वो FCC, BCC, HCC, ये मेटल में देखेंगे, लेकिन लिक्विड गैसेस उसके लिए उसके पैरामीटर्स कुछ और होंगे, ठीक है, फेसेस को देखने के लिए। ये जस्ट मैंने आपको फेस क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल्स दी थी। वाटर और ऑयल टू फेस ड्यू टू डेंसिटी, केरोसिन एंड अल्कोहल ये भी टू फेस, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद है डेफिनेशन सॉल्युबिलिटी लिमिट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट देखें, वाटर हमारे पास एक सॉल्वेंट है, अगर उसमें हम शुगर क्या है वो उसकी क्वांटिटी कम होती है तो वो क्या होता है, सॉल्यूट हो जाता है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट इनकी कोई लिमिट होती है, ये आपस में यानी सॉल्युबिलिटी इनकी जो है, सॉल्युबिलिटी की कोई लिमिट होती है। तो अब आप अगर शुगर कब तक पानी में, कब तक शुगर आप डाल सकते हैं, एक टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे आप शुगर डालते जाएं, वो डिजॉल्व होती रहेगी, डिजॉल्व होती रहेगी, डिजॉल्व होती रहेगी, लेकिन एक ऐसा स्टेप आएगा वो शुगर आपकी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, कैन कैन से हम जो है वो जूस क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो बेसिकली शुगर और इन उसमें शुगर ही होती है, लेकिन वो मिक्सचर होता है। उनको हम क्या करते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में होती है स्टार्टिंग में, तो उनको हम हीट करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं, उस जो जूस हमारे पास होता है उसको हम हीट करते हैं। हीट करने करने के बाद डिफरेंट स्टेजेस, सुपर हीटर, प्राइमरी हीटर, फिर पैन पे, फिर डिफरेंट ये हीटिंग प्रोसेस से गुजारने के बाद फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो जो लिक्विड फॉर्म होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। इसी तरह एक लिमिट होती है, अगर शुगर आप डालेंगे एक टेम्परेचर पे एक हद तक वो तो डिजॉल्व होगी, लेकिन उसके बाद डिजॉल्व नहीं होगी, वो क्या होगी, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। लिक्विड सॉल्यूशन प्लस वो क्या होगी, वो सॉलिड शू एक आ जाएगा आपके फॉर्म में, ठीक। तो ये नीचे जो इसी तरह क्या होता है,
मेटल में भी इसी तरह होता है। तो मेटल में आप कहीं तक उसको टेम्परेचर देंगे, प्रेशर देंगे, तो वो सॉलिड में रहेगा, उसके बाद वो चेंज करके लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड में आके फिर वो वेपर में भी जा सकता है। ठीक, तो इसी तरह ये यहाँ पे शुगर की नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है कि ये जो है एक लिक्विड सॉल्यूशन सिरप का है, ये इसकी लिमिट्स ड्रा की हुई है, ये कंपोजिशन है इसकी, कि इससे आगे जैसे भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉरी, तो क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें सॉलिड में। ठीक है, तो ये एक डायग्राम दी गई है शुगर और वाटर वाटर की। अच्छा, और उसका कंपोजिशन यहाँ पे बताया गया है। आगे यही इस और इस डायग्राम को देखते हैं। सॉल्युबिलिटी लिमिट, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एटम्स दैट मे डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉलिड सॉल्यूशन, एग्जांपल वाटर शुगर सॉल्यूशन। वाटर शुगर सॉल्यूशन यहाँ पे देखें, ये 20% 20 टेम्परेचर पे, 20 सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे शुगर की कंपोजिशन, शुगर कितनी आपने डाली, यहाँ पे कितनी शुगर 65%। उसके बाद अगर आप डालते हैं आगे आगे, यहाँ से जैसे ये क्रॉस लिमिट करती है तो वो कन्वर्ट किस में हो जा रही है, लिक्विड प्लस सॉलिड। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी लिमिट की एक फेज डायग्राम ड्रा करके आपको समझाया गया है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी लिमिट फॉर शुगर इन वाटर एट 20 सेंटीग्रेड टू 20 सेंटीग्रेड में, कितना इसकी कंपोजिशन कितनी आई, 65। ठीक है, 65 कंपोजिशन, 65% शुगर। ठीक है, तो ये इसका वेटेज आया। अब आप हम आगे मूव करें, माइक्रोस्ट्रक्चर में हम फेज डायग्राम को जो है, माइक्रोस्ट्रक्चर देखने के लिए जो है वो फेज डायग्राम विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रिडिक्ट माइक्रोस्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो माइक्रोस्ट्रक्चर को समझने में हमें जो है फेज डायग्राम मददगार साबित होती है, क्योंकि ये नेट आई से आप नहीं देखते, इसके लिए माइक्रोस्कोपिक की नीड होती है, और माइक्रोस्कोपिक में आप माइक्रोन में जाके इसको स्टडी करते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर के लेवल पे, फिर आपको इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए हम फेज डायग्राम के थ्रू हम माइक्रोस्ट्रक्चर जो हो तो उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये उसकी माइक्रोस्ट्रक्चर फिगर दी हुई है कास्ट आयरन की। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फेज डायग्राम। क्लासिफिकेशन ऑफ फेज डायग्राम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सिस्टम। चार किस्म की क्लासिफिकेशन होती है फेज डायग्राम। यूनरी फेज डायग्राम, ये यानी वन कंपोनेंट फेज डायग्राम कहते हैं। बाइनरी फेज डायग्राम, ये अलॉय होता है, ये टू कंपोनेंट सिस्टम फेज डायग्राम। ट्रेनरी फेज डायग्राम, थ्री कंपोनेंट। ट्रेनरी फेज डायग्राम, फोर कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है, ये एक कंपोनेंट की फेज डायग्राम है, ये मोर देन वन है अलॉय की, यानी टू कंपोनेंट की फेज डायग्राम, ये थ्री कंपोनेंट की, ये फोर कंपोनेंट की। अब यहाँ पे वन कंपोनेंट की अगर हम एग्जांपल देखें, H2O क्या है, H2O जो है वो वन कंपोनेंट फेज डायग्राम है। ठीक है, अगर हम आयरन और कार्बन इनको अगर हम लें तो ये क्या होगा, टू कंपोनेंट फेज डायग्राम होगी। ठीक, फेज डायग्राम हमें माइक्रोस्ट्रक्चर को समझने में मदद देती है। आगे मूव करें, यहाँ पे ये फेज डायग्राम बताइए, ये फेज डायग्राम आपकी तीन चीजों पे डिपेंडेंट होती है। एक तो कंट्रोल करते हैं उसको टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन। यहाँ पे जो फिगर दी गई है ये वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज डायग्राम की फिगर दी गई है H2O के लिए। तो क्योंकि आप
कोई अलॉय नहीं होता, इसके लिए इसकी वजह से कंपोजिशन जो है वो साइलेंट पे होता है, क्योंकि इसके साथ कोई अलॉय तो होता नहीं है। तो ये वन फेज डायग्राम होती है, तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर यूज होते हैं। पहले हम जो है वो वन फेज कंपोनेंट या डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद हम टू कंपोनेंट पे जाएंगे, ठीक है। तो वन कंपोनेंट या यूनरी फेज डायग्राम, इसको वन कंपोनेंट कहते हैं और यूनरी फेज डायग्राम भी कहते हैं। और दूसरी क्या है, बाइनरी फेज डायग्राम, यानी दो कंपोनेंट अलॉय मिलके बाइनरी फेज डायग्राम बनते हैं। तो इसके लिए हम ये प्योर सब्सटेंस लेते हैं, तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर ये दो चीजें होती हैं उसमें। अच्छा, ए वन कंप्लीट कंपोनेंट ऑफ फेज डायग्राम समटाइम्स कॉल्ड यूनरी डायग्राम और प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम भी इसको कहते हैं, वन फेज डायग्राम या वन कंपोनेंट फेज डायग्राम को। इज टू डायमेंशनल प्लॉट ऑफ प्रेशर, वर्टिकल में प्रेशर होता है और हॉरिजेंटल में क्या होता है आपका, हॉरिजेंटल एक्सिस में टेम्परेचर होता है। ये H2O की डायग्राम आगे चल के हमने दी हुई है, ठीक है। हम H2O भी ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं, कुछ भी, यानी जो वन कंपोनेंट हो उसको लेके हम उसकी फेज डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो बाइनरी कंपोनेंट। बाइनरी कंपोनेंट में आप कंपोजिशन को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें आपके पास क्या आएगा, बाइनरी फेज डायग्राम, टू डायमेंशनल प्लॉट, टेम्परेचर वर्टिकल और कंपोजिशन जो है आपका क्या होगा, हॉरिजेंटल, एंड प्रेशर इज होल्ड कांस्टेंट नॉर्मली एट वन एटमॉस्फेयर। इसको जो हम करते हैं नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, ये वन एटमॉस्फेयर पे ड्रा करते हैं, ठीक है। We will consider binary alloy that contain two components. वही बात। अच्छा, alloy phase diagram is a binary phase diagram, right? Three control parameter affect on, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, phase structure, temperature, pressure and composition. One component or single phase diagram, क्या copper भी हम ले सकते हैं, खाली zinc भी ले सकते हैं, iron भी ले सकते हैं और H2 भी ले सकते हैं। ये क्या है, ये single component है, इनकी हम फेज डायग्राम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा इस फेज डायग्राम, ये है आपके पास फेज डायग्राम, ये फेज डायग्राम है आपकी वन कंपोनेंट फेज डायग्राम, ठीक है। ये आपके पास वन कंपोनेंट वन कंपोनेंट फेज डायग्राम, उसकी ये फिगर यहाँ पे ड्रा की गई है। अब इसको समझते हैं, ये इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। फेज डायग्राम डिस्प्ले द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इन वेरियस प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड द प्लेस वेयर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन। ये यहाँ पे क्या है, फेज डायग्राम पे एक ये टेम्परेचर है, ठीक है, और ये प्रेशर यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन एक शो कर रहा है, ए बी लाइन इज स्टार्ट द लिक्विड वेपर इंटरफेस। ए बी लाइन कहाँ से है, ये ए बी लाइन, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये लाइन है लिक्विड वेपर इंटरफेस। यानी इस साइड पे देखेंगे, इसमें तीन रीजन है फेज डायग्राम में, इस रीजन को सॉलिड कहते हैं, इस रीजन को लिक्विड कहते हैं और इस वाले रीजन को गैस कहते हैं। और ये जो है इसको सब्लिमेशन कहते हैं, इसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। सब्लिमेशन क्या है, ट्रिपल पॉइंट क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें अब देखें, ये पहली लाइन इसमें बता रहा है कि ये ए बी लाइन क्या है, लिक्विड वेपर इंटरफेस। इट स्टार्ट द ट्रिपल पॉइंट, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस ट्रिपल पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, द पॉइंट एट विच एट द थ्री स्टेट्स आर
इक्विलिब्रियम। ये ट्रिपल स्टेट जो है यहाँ पे थ्री स्टेट पाई जाती हैं, जो तीनों स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। यहाँ पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। इस ट्रिपल पॉइंट में आपके पास सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, इस ट्रिपल पॉइंट पे। अब जब यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पे सारी चीजें इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, ठीक। अब यहाँ से मूव करेंगे आगे तो क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट बी अबाउट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, क्योंकि ये क्या है, क्रिटिकल प्रेशर भी यहीं पे है, क्रिटिकल टेम्परेचर भी यहीं पे है। प्रेशर द लिक्विड वेपर इंडिस्टेंशियबल फ्रॉम द ईच अदर। यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूश कर सकते हैं कि लिक्विड कौन सा है और सॉलिड कौन सा है पोर्शन, लेकिन इस पॉइंट के बाद हम इसको डिफरेंट नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो ये सॉलिड कौन सा है, ये लिक्विड इस लाइन पे, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे तो हम एनालाइज कर सकते हैं, लिक्विड है इस साइड पे, सॉलिड गैस है, लेकिन यहाँ पे फिर हमें मुश्किल हो जाएगी, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, ईच पॉइंट अलोंग दिस लाइन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस एट द प्रेशर। प्रेशर इक्वल फोर्स पर एरिया, इंक्रीजिंग प्रेशर कॉज ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू द कंडेंस मेकिंग द मॉलिक्यूलर अरेंज क्लोज्ड। जैसे जैसे देखें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, आपस में क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो इसके क्या, ये सॉलिड फॉर्म में है, और जैसे इंक्रीज हो रहा है तो मॉलिक्यूल क्लोज हो रहा है, ठीक। उसके बाद द एडी लाइन इज इंटरफेस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। एडी लाइन इंटरफेस किसमें कर रही है, लिक्विड और सॉलिड, ये रही एडी लाइन, ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड। द मेल्टिंग पॉइंट एट ईच प्रेशर कैन बी फाउंड अलोंग दिस लाइन। मेल्टिंग पॉइंट जो है यहाँ पे, इस लाइन पे आपका मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगा, जस्ट ना वो सॉलिड होगा ना लिक्विड होगा, तो इस पे यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ईच प्रेशर कैन बी फाउंड अलोंग दिस लाइन, ठीक। अच्छा, अब देखें इस, ये सॉलिड है, इस सॉलिड लाइन के बाद आपके पास इस, ये भी क्रॉस करेगा तो क्या होगा, ये लिक्विड में आ जाएगा, और ये लिक्विड लाइन इस लाइन से जब क्रॉस करेगा तो ये क्या आ जाएगा, गैस में आ जाएगा। और ये ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट में तीनों पैरामीटर्स होते हैं, फेस होती हैं, जिसको यानी वाटर, लिक्विड और गैस, ठीक है, तीनों एग्जिस्ट करते हैं, उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और सब ये आगे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। अलोंग द ए सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, एंड अलोंग ए सी लाइन अ सॉलिड एंड गैस फेसेस आर इन इक्विलिब्रियम, द सब्लिमेशन पॉइंट एट ईच प्रेशर इज अलोंग दिस लाइन। यानी ये 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 जो लाइन है, ये लाइन कौन सी, ये यानी इस लाइन को जैसे इस साइड पे आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, और यहाँ पे किस में है, सॉलिड में। तो इस लाइन को जो हम कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। अगेन पढ़ते, अलोंग द एसी लाइन द सॉलिड एंड गैस फेसेस, ठीक है, इस पे क्या है, सॉलिड एंड गैस फेसेस आर इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। द सब्लिमेशन पॉइंट एट ईच प्रेशर इज अलोंग दिस लाइन, सब्लिमेशन पॉइंट एट ईच प्रेशर अलोंग दिस लाइन, ठीक है। अच्छा, एज द टेम्परेचर इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज डेफिनेटली, कॉजिंग द स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज द इवेंचुअली चेंज इन फेज। हाँ, अब देखें जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये देखें जैसे ही यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। यहाँ सॉलिड था, ये आपस में पार्टिकल्स मिले हुए थे, यहाँ पे जैसे ये टेम्परेचर जैसे इंक्रीज हुआ तो क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल थे ये अभी यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस इनका बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या, ये लिक्विड क्या है,
और इसमें टेम्परेचर जैसे और इंक्रीज हुआ तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स और देखें ये गैस में कन्वर्ट हो गए, पार्टिकल्स और दूर हो गए एक दूसरे से, तो ये यहाँ पे कह रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज कॉजिंग द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल टू इंक्रीज एंड इवेंचुअली चेंज फेस। ठीक, अच्छा अब ये फेज डायग्राम, दो फेज डायग्राम है, एक वाटर की और दूसरी किसी भी आयरन की या कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। अब ये तो पॉइंट्स, अच्छा इनकी तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे आई होप कि अब ये क्या, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये ट्रिपल पॉइंट क्या है, सब सब्लिमेशन क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। ठीक है, अब ये फेज डायग्राम पे हम आएंगे। फेज डायग्राम पे ये वाटर की फेज डायग्राम है, थोड़ी सी चेंजिंग है कॉपर और इसमें वाटर की। ठीक है, अब ये इस वाटर की फेज डायग्राम में देखें, ये यहाँ से लाइन जो ये जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये जो सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर रही है, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है। द स्लोप ऑफ सॉलिड लिक्विड लाइन इज नेगेटिव, ये देखें ये इस तरफ नहीं जा रही, ये इस तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। दिस मीन्स दैट प्रेशर इज इंक्रीज, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, जस्ट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट वाटर गोज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अच्छा, ये डायग्राम जो है अब कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, किसी की आयरन की भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब देखें इसमें, देखें ये ऐसे, ये लाइन कुछ स्लोप ऐसे बनी हुई है और यहाँ पे ये लाइन जो है वो स्लोप थोड़ा सा चेंज है। एक तो फर्क इसमें इसमें जो है डेंसिटी का है, इस वजह से जो लाइन जो है सॉलिड लिक्विड लाइन जो है वो इस तरह बनी है, और दूसरा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट प्रेशर बिलो, यानी ये प्रेशर बिलो 5.11, ये 5.11 आ गया यहाँ पे। देखें कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एग्जिस्ट लिक्विड, ये यहाँ पे इस प्रेशर पे लिक्विड पे एग्जिस्ट नहीं करता, ये लिक्विड नहीं एग्जिस्ट नहीं करता 5.11 पे। ठीक है, कैन नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द प्रेशर बिलो, यानी इससे नीचे वो लिक्विड स्टेट पे, यहाँ पे तो ट्रिपल पॉइंट पे तो करता है क्योंकि यहाँ पे तीनों फेसेस होती हैं, लेकिन इससे नीचे वो क्या है, वो लिक्विड पे स्टेट नहीं करता, बिलो 5.11 CO2 sublime at a normal pressure, CO2 sublime at the at a normal pressure। ठीक, अच्छा अब ये करने के बाद अब इसमें आगे बाइनरी डायग्राम की तरफ तो हम जाएंगे, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, लेकिन इसमें एक रूल से एक नाम था साइंटिस्ट का गिब, तो वो गिब के नाम से फिर उसका जो रूल का नाम हो गया गिब्स फेज रूल। उसने ये फेस रूल का क्या निकाला, ये एक फार्मूला दिया उन्होंने, F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। अब ये F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट वो होते हैं जैसे अभी हम वन नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे पास कितने हैं जिसके हम फेस डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, वन कंपोनेंट। ठीक है, अगर हम बाइनरी की करेंगे तो वहां पे टू कंपोनेंट्स आ जाएगा, और पी नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस होता है ना, जैसे ट्रिपल पॉइंट पे तीन फेसेस हैं और एक लिक्विड फेस है, एक फेस है, फिर सॉलिड एक फेस है, वेपर एक फेस है, तो ये नंबर ऑफ फेसेस है। अब इस फार्मूले के तहत अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे निकालूं तो इसका कितना आएगा, इस फार्मूले के तहत ट्रिपल पॉइंट पे मेरे पास क्या निकालूं मैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, यानी इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं मेरे पास, तो सी क्या आएगा इसमें,
ट्रिपल पॉइंट पे हमजा हमजा दोबारा पूछिएगा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है, गिब्स रूल है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे निकालना है। ठीक, अब ये सी जो है ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, जैसे हम अभी कर रहे हैं वन नंबर ऑफ एक नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, तो यहाँ सी की जगह पे क्या आएगा, वन आएगा, वन आएगा ना, एक कंपोनेंट को लेके कर रहे हैं ना, और माइनस पी को अभी आप रहने दें प्लस टू नंबर ऑफ फेस, तो ये वन माइनस वन प्लस टू कितना हो गया, टू, वन प्लस टू कितना हुआ, थ्री थ्री थ्री। अगर अब बात करते हैं फेस पे, अगर मैं ट्रिपल पॉइंट पे देखना चाह रहा हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो ट्रिपल पॉइंट पे कितने फेस होते हैं, तीन होते हैं, तीन होते हैं जी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रख दूं तीन, पी की जगह पे रख दूं तीन, जीरो आ जाएगा, तो क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, जीरो जीरो। अब देखें जीरो क्यों हुआ, ये देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये है ना, यहाँ पे देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, यहाँ पे कुछ ये कांस्टेंट है, यहाँ पे एक प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ ये सॉलिड है, इस जगह पे बात करते हैं कितना फेस है, एक ही फेस है ना, एक ही फेस है, अगर एक ही फेस में यहाँ पे लिख दूं ये थ्री माइनस वन, ये वन और टू ये थ्री हो गए ना, तो थ्री माइनस वन तो कितना नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा यहाँ पे, टू। अब टू क्यों, ये देखिए कौन सा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एक टेम्परेचर है और प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर भी है और ये प्रेशर भी है, तो यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए, टू। इसी तरह ये लिक्विड है, तो लिक्विड में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, टू ही होंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ वेपर पे आप देखेंगे, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, टू होंगे, और इस ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, थ्री, जीरो, 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 जीरो। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये आगे ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पे ये डिफाइन कर रहे हैं जो हम करके आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे जो है वो बाइनरी फेज डायग्राम है, और ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको मदीदम करेंगे आगे।